talking to your local dialect. Either I can speak in English or either I can speak in Hindi. So whose Hindi is slightly weak, then I'm extremely sorry. सबसे पहले मैं जो मेरे नए और आपके सामने बैठे हुए जितने भी अपने अपने क्षेत्र के महारथी लोग आए हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स है, समाज सेवा है, डायरेक्टर सीआईटी है, आपके प्रिंसिपल साहब हैं, या और भी शिक्षा में जो आपके सामने बैठे हुए हैं, जो कि आपके जीवन में अब तक प्रेरणा स्रोत बनकर आप सभी का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, और उन्हीं के कर्म कमलों की वजह से, उन्हीं की मेहनत की वजह से आज जितने भी स्टूडेंट्स को यहाँ स्टेज पर आने का मौका मिला, ये सब इन सब टीचर्स की देन है। इन सब टीचर्स के लिए की प्लीज मेरे साथ एक साथ ताली बजाएं। कुछ साल पहले, आज से तकरीबन 15 या 20 साल पहले, मैं भी जैसे आप अच्छे लोग हैं, मैं भी वहां से यहाँ तक आता था, लेकिन मैं थोड़ा कमजोर विद्यार्थी था, मुझे मौका कम मिला है आने का, थोड़ा शरारती ज्यादा था, शरारत की वजह से ज्यादा आने का मौका मिलता था। लेकिन मेरी सभी टीचर्स से और जितने भी माँ बाप हैं, अभिभावक हैं, उन सबसे एक गुजारिश है कि हर बच्चा अपने आप में एक अलग चीज होता है, अलग टैलेंट होता है, हर किसी का टेकअप लेवल, हर किसी की बुद्धि अलग होती है। कभी भी आप अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी भी दूसरे बच्चे से ना करें। अमूमन हमारे घरों में हम बोलते हैं कि फलाना का बच्चा 90% लेके आया है, तू नालायक है, तू 70% लेके आया है। ऐसा नहीं है। कभी आप अपने बच्चे से पूछिए, क्या पता उसका मन पढ़ाई से ज्यादा किसी और चीज में लगता हो, शायद उसे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा पेंटिंग करना पसंद हो। आजकल मोबाइल आ गया है, क्या पता आपके बच्चे का इंटरेस्ट फोटोग्राफी में हो। जो बच्चे हैं उन्होंने शायद 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। तो हर किसी बच्चे का इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि एक एकेडमिक सब्जेक्ट की तरफ भी हो। तो सभी माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एकेडमिक्स की तरफ ना जाके आप अपने बच्चे का एक सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें, और भूलकर भी अपने बच्चे का कंपैरिजन कभी किसी दूसरे बच्चे से ना करें। कई बार दिस कंपैरिजन इज वेरी डेंजरस। जो हम अपने बच्चे का कंपैरिजन करते हैं वो एक अच्छी चीज नहीं है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। और इसके साथ ही आज जो बच्चे यहाँ स्टेज पर आए, मैं उन सबको बधाई देता हूँ, और उनसे भी ज्यादा बधाई उनके माँ बाप की मेहनत और उनके टीचर्स की मेहनत, वो दोनों भी बधाई के पात्र हैं। और जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इस स्टेज पर नहीं हो पाए, मैं आशा करता हूँ कि अगले साल वो इस बार वालों से ज्यादा मार्क्स लेकर यहाँ पर आएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।